बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ खुर्रम अब्बास। आज के इस लेक्चर्स में हमने एफपीएससी में जो आज का जो पेपर हुआ है इंस्पेक्टर एफआईए का, उस पेपर से आज हमने डिस्कस करना है। ये पीछे हम जो है चार वीडियोस हम डिस्कस करके आए हैं, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर उसके पेपर एफआईए का हम डिस्कस करके आए हैं। बैच 1, 2, 3 एंड 4 के सारे एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं। आज के इस लेक्चर्स में हमने इंस्पेक्टर का पेपर हमने डिस्कस करना है, जो कि संडे को 20 तारीख को ये पेपर हुआ है, 20 अगस्त को। इस पेपर को आज हम इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ हमें थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको बेल आइकन के बटन के ऊपर इसको प्रेस कर दें। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि हर आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और आप ताकि दिन साथ साथ आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो रिलेटिव के साथ, सबके साथ अपने वीडियोस को शेयर करें। तो इस चैनल के ऊपर आपको सब वीडियोस आपको मिल जाएंगी, करंट अफेयर्स की, स्टडी मटेरियल्स एंड जॉब्स अनाउंसमेंट की एंड अपडेट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। चलो शुरू करते हैं। अब इसमें सिलेबस को मैं अगर आपको बता देता हूँ कि इसमें सिलेबस हमारे पास क्या है, कि इसमें 20% इसमें इंग्लिश होती है, जिसमें इंग्लिश की वोकैबुलरी आएगी, जिसमें सिनोनियम एंटोनियम्स प्रेपोजिशंस पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर यूसेज सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग ये सारे जो चीज़ें हैं आपके 20 नंबर के एमसीक्यूज का इंग्लिश में से पोर्शन आएगा। एंड पार्ट नंबर 2 में से आपका जनरल इंटेलिजेंट टेस्ट होगा, मींस के इसमें से आपका जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे, एवरीडे साइंसेस के आएंगे, बेसिक मैथमेटिक्स आएगी, जिस मैथमेटिक्स में अलजेब्रा रेशियोज परसेंटेज अरिथमेटिक मीन्स आएंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स का पोर्शन आएगा, जिसमें करंट अफेयर्स में आपके पास डेवलपमेंट्स हो सकती हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लास्ट 2 ईयर्स के, मतलब प्रीवियस 2 ईयर्स तक के आपको करंट अफेयर्स आपको आने चाहिए। देन उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामिक अफेयर्स मस्ट है। पाकिस्तान अफेयर्स में हिस्ट्री आ जाएगी पाकिस्तान की, तो ये आपको सारा होना चाहिए, हाउ नो। एंड उसके बाद बेसिक लेवल नॉलेज आपके पास सारों की होनी चाहिए। देन उसके बाद लास्ट में एफआईए के एक्ट होंगे, 1974 के एक्ट, जिसमें से आपका 7 to 8 जो है एमसीक्यूज इसमें से आपके आ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं, वन बाय वन हम एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते जाएंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 है, जिसमें से पूछा जा रहा है हु हैज वोन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर 2022, के साल 2022 में अदब का नोबेल इनाम किसने जीता। वो थी एनी इरनेक्स ने, इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर के अंदर, ठीक है। एनी इरनेक्स इज एन ऑथर, ये एक ऑथर है, बिलोंग्स टू फ्रांस, ये इनका ताल्लुक फ्रांस से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3rd जून प्लान वॉज वर्कड आउट बाय, कि 3 जून का मनसूबा तैयार किया गया था, किसने तैयार किया था, लॉर्ड माउंट बेटन ने 3 जून का मनसूबा तैयार किया था। 3rd जून प्लान को हम पार्टीशन प्लान भी कहते हैं, ठीक है। ये प्लान किस लिए था, पंजाब एंड बंगाल वर डिवाइडेड इन 3rd जून प्लान, तो पंजाब और बंगाल को 3rd जून प्लान के मुताबिक उसमें इनको डिवाइड किया गया, पंजाब और बंगाल को। लॉर्ड माउंटबेटन, जो लॉर्ड माउंटबेटन है जिन्होंने 3 जून का प्लान तैयार किया था, बनाया था, उनको कत्ल किया गया अगस्त 1979 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज द करंट फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन, वो कौन सा कंट्री है जो फीफा वर्ल्ड कप का चैंपियन है इस वक्त, वो अर्जेंटीना है। लास्ट वीडियो में हम बैच नंबर 4 के अंदर हम ये सारी चीजें हम जो है फीफा वर्ल्ड कप के बारे में आपको मैंने डिटेल से बताई है, वहां जाके आप इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान आर्मी इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022, के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में पाक फौज का दर्जा क्या है, पाकिस्तान फौज का दर्जा क्या है। पाकिस्तान फौज जो है ग्लोबल इंडेक्स के ऊपर, ग्लोबल फायर पॉक्स इंडेक्स के मुताबिक वो 9वें नंबर के ऊपर है। पाकिस्तान आर्मी इज द 9th मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड आउट ऑफ 140 कंट्रीज, के 140 कंट्रीज में से पाकिस्तान आर्मी के जो 9वें नंबर के ऊपर है, जिसमें से यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये पहले नंबर के ऊपर है, रशिया दूसरे नंबर पे है, चाइना 3rd नंबर पे है एंड इंडिया 4th नंबर पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज ब्रोक्ड बाय, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध दास मुआहिदा किस किस सालसी में हुआ, मतलब ये मुआहिदा किसने करवाया,
वर्ल्ड बैंक ने ये मुआहदा करवाया था। मैं जरा आपको बता देता हूँ, द ट्रीटी ट्रीटी के मुताबिक क्या था कि जो ये मुआहदा हुआ उस ट्रीटी के मुताबिक क्या है कि एलोकेट्स किए गए, मतलब दिए गए वेस्टर्न रिवर्स। वेस्टर्न रिवर्स जो है वो पाकिस्तान को दिए गए थे। वेस्टर्न रिवर्स में इंडस, झेलम एंड चनाब ये पाकिस्तान को दिए गए, और इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स दिए गए। ईस्टर्न रिवर्स में रावी, ब्यास एंड सतलज ये इंडिया को दिए गए, और वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, झेलम, चनाब ये पाकिस्तान को दिए गए इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है? मारखोर है। तो इससे रेलिवेंट और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि नेशनल फ्लावर जो है ये जैस्मीन है एंड नेशनल ट्री डियोडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन उर्दू, उर्दू में द नेम पाकिस्तान लिटरली मीन्स, उर्दू में नाम पाकिस्तान के लफ्जी मायने क्या है? प्योर लैंड, इसका मतलब है पाकिस्तान का। द वर्ल्ड पाकिस्तान वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, जो पाकिस्तान का जो नाम है पहली दफा कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ? नाउ और नेवर पम्फलेट में, 1933 का एक पम्फलेट था उसमें जो है ये नाम इंट्रोड्यूस करवाया गया। किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आजम ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इनके कायदे आजम ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? 1913 में ज्वाइन किया। अब इससे रेलिवेंट बेताशा क्वेश्चन है, मैं आपको जरा बता देता हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन 1906, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में फाउंड की गई। कायदे आजम ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस, के कायदे आजम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1906 में ज्वाइन किया और 1920 में इनको लेफ्ट करके छोड़ दिया। कायदे आजम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1906 में ज्वाइन किया था और 1920 में उसे छोड़ दिया था। नेक्स्ट उसके बाद है, कायदे आजम ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, के कायदे आजम ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, वो नेशनल कांग्रेस है या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, कब से ज्वाइन किया? 1913 से 1947 तक। ठीक है, देन उसके बाद 1948 में उनकी डेथ हो जाती है। कायदे आजम ज्वाइंट मुस्लिम लीग, कायदे आजम ज्वाइंट मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, कायदे आजम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया 1947 टू टिल 1948 तक। ठीक है, देन उसके बाद है मोहम्मद अली जिना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिना वाज बोर्न ऑन, कायदे आजम मोहम्मद अली जिना कब पैदा हुए? 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये चीज आनी चाहिए। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हु इज सेड टू बिकम द सेकेंड फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दूसरी खातून जज कौन बनने जा रही हैं? वो है मुसर्रत हिलाली। कि ये क्या हुआ कि जून 2023 में क्या हुआ, जुडिशियल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने एक अप्रूव कर दिया है, इजाजत दे दी है द एलिवेशन ऑफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जुडिशियल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने ये अप्रूव दे दी है, इजाजत दे दी है कि जो जस्टिस जो है मुसर्रत हिलाली ये सेकेंड खातून जज बनने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस सी ओ शिंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2022 वॉज हेल्ड इन विच कंट्री, के 2022 की जो शिंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ, किस मुल्क में मुनाकिद हुआ? उज्बेकिस्तान में ये मुनाकिद हुई है। एस सी ओ के टोटल मेंबर्स 9 हैं, और लेटेस्ट में जो अभी अभी आखिर में शिंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को किसने ज्वाइन किया है? ईरान ने ज्वाइन किया है जुलाई 2023 में। एंड उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया ने कभी से ज्वाइन किया? 2017 में पाकिस्तान और इंडिया ने ज्वाइन किया है, और जो एस सी ओ है इस्टेब्लिश हुई है 12 जून 2001 के अंदर। तो ये बेताशा क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद है, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, के जापान के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं? वो है फ्यूमियो, फ्यूमियो किशिदा, फ्यूमियो फ्यूमियो किशिदा ये करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान के हैं। फ्यूमियो किशिदा इज द करंट सेक्रेटरी ऑफ, इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान सिंस 4 अक्टूबर 2021, कि जो फ्यूमियो किशिदा ये करंट प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के 4 जून 2021 से लेके अब तक के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के। ही हैज ऑल्सो बीन द प्रेजिडेंट ऑफ द, और ये साथ साथ ये प्रेजिडेंट भी हैं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के ये मेंबर्स भी हैं 20 सितंबर 2021 से लेके अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूएस का करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन से हैं? अमेरिका का मौजूदा नायब सदर कौन सा है? वो है कमाला हारिस। तो इसके बारे में बता देता हूँ, कमाला हारिस इज अ पॉलिटिकल एंड अटर्नी हु इज द 49th एंड करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सिंस जनवरी 2021। कि कमाला हारिस कहेंगे पॉलिटिकल और पॉलिटिशियन है एंड एंटोनी है, इन्हें ये कहें कि हु इज 49, ये 49th नंबर के ऊपर क्या है कि ये वाइस प्रेसिडेंट है एंड करंट वाइस प्रेसिडेंट है किस इसके यूनाइटेड स्टेट्स के हैं जनवरी 2021 से लेके अब तक।
तो ये गाइस आज हमने इंस्पेक्टर FIA का आज का जो पेपर हुआ था उसको आज हमने डिस्कस किया है। होप सो आपको चीज़ समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो और MCQs हमें मिलते जाएंगे, नेक्स्ट टाइम सारे MCQs हम डिस्कस करते रहेंगे। तो साथ साथ हमें जुड़े रहिए और इन चीज़ों को साथ साथ जो है वो समझते रहिए, उनको साथ साथ पढ़ते रहिए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज में आपको मैं जो है आपको सोल्यूशंस बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।